मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 23 सितंबर 2012 के दिन एक ऐसा खूनी विवाद हुआ जिस खूनी विवाद में स्थानीय नगर सेवक के परिवार के 4 लोग समेत और ऐसे 6 लोगों को थाने सेशन कोर्ट ने आरोपी बताते हुए सज़ा सुनाई। आखिर ये सज़ा जो 6 आरोपियों को सुनाई गई जिसमें रईस अंसारी, सरफराज अंसारी, राजू अंसारी ऐसे 4 लोग थे और इनके अलावा 2 जो है उसी परिवार के लोग थे जिनका नाम मुश्ताक शेख और साथ ही साथ शेख। ऐसे ये आरोपी लोगों को सज़ा सुनाते हुए थाने कोर्ट ने एक न्याय की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की है और साथ ही साथ जिसमें पीड़ित जो है वो हमारे साथ मौजूद है जी। क्या नाम है आपका और किस लिए ये झगड़ा शुरू हुआ था? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जलाल तेली है। एक्चुअली ये इंसिडेंट 23 सितंबर 2012 को हुआ था। ये प्री प्लान ब्रीचुअल अटेम्प्ट टू मर्डर था। ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन कब्जा करने के लिए ऑलरेडी इन्होंने एक पार्ट किया था जिसपे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और ये बिस्मिल्ला टावर के जो बिल्डर्स है यशराज एंटरप्राइजेस, ये विनोद दत्ताराम पवार, यशराज शिलकर हैप्पी होम के है, भरत छेड़ा, प्रफुल्ल मनीलाल छेड़ा, रजनीकांत खेराज निसार, इन्होंने ये सुपारी जो दी थी ये प्री प्लान करके कि इनको इनके जगह से उखाड़ के फेंक दो और हो सके तो इनको इनके ज़मीन में ही काट के डाल दो। इस तरह से ब्रिचुअल अटेम्प्ट टू मर्डर इन्होंने प्री प्लान किया था, उसकी वजह से ये 307 के सेक्शंस लगे हैं इनके ऊपर। अच्छा, जिसमें ये जो आरोपी है ये कारपोरेटर के परिवार से थे तो कितनी आपको मुश्किलें हुई और ये पूरा विवाद आखिर 12 साल बाद आपको न्याय मिला है तो क्या कहेंगे कि ये न्याय की प्रक्रिया में कितनी आपको कठिनाई आई? देखिए, अभी ये जहाँ तक राजू अंसारी की बात है ये खुद को नगर सेवक समझता है जबकि इसकी भाभी है नगर सेविका, हर एक जगह बताता है कि मैं ही नगर सेवक हूँ। अगर इनकी हिस्ट्री देखने जाएंगे ऑल आर द एक्यूज आर द क्रिमिनल हिस्ट्री सिटर। राजू अंसारी एक गुंडा किस्म का इंसान है और ये तड़ीपार गुंडा है और राजू अंसारी का अगर बैकग्राउंड आप देखने जाएंगे इसके काफ़ी सारे मसले हैं जो रशीद कंपाउंड श्रीलंका में फेमस है, जो हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिनके साथ में इस तरह का घिनौना काम होता है उसी को पता चलता है कि कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि एक इंसान के पास पैसा है, धन है, दौलत है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड सपोर्ट है और एक इंसान है जो मजलूम है, उसके पास कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ताकत है और कुछ नहीं। अच्छा, ये किस तरीके का, ये थाने सेशन कोर्ट में कितने साल की सज़ा सुनाई है और किस तरीके का जुर्माना उन्हें लगाया और क्या मुआवजा मिला आपको? देखिए, इसमें राजू उर्फ सगीर इदरीस अंसारी, रमीज इदरीस अंसारी, रईस इदरीस अंसारी, सरफराज उर्फ बबली इदरीस अंसारी, मुश्ताक शेख, सलीम शेख, इनको टोटल 7 ईयर्स कठोर कारावास की सज़ा सुनाई हुई है और मुआवजे का जो प्रावधान है एज पर द प्रोविजन ऑफ CRPC के हिसाब से कोर्ट ने इनको फाइन इम्पोज किया हुआ है। लगभग कितने का फाइन है और कितने साल की सजा है? 7 लाख, टोटल 1.5 लाख का फाइन है जो 1 लाख जमा हो जाएगा अपना सरकारी खाते में और 50,000 में जो इंजर्ड विक्टिम्स हैं उनको देना है और 7 साल कठोर कारावास की इनको अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अंदर उनको सज़ा हुई है। तो ये पूरी वारदात जो 2012 में हुई थी, इस वारदात को लेकर जो तेली परिवार पर हमला किया गया था जिसमें जलाल जी और मजीद जी इन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई थी और इनके अलावा इनकी माँ हमीदा जी को भी काफ़ी गंभीर चोटें आई थी, इस मामले में थाने सेशन कोर्ट ने सभी जो 6 आरोपी है जिसमें इन्होंने बताया कि रईस है, रमीज़ है, सरफराज है और राजू अंसारी, ऐसे 4 लोग के अलावा मुश्ताक और सलीम, ऐसे 6 लोगों पर मामला जो है कठोर से कठोर दर्ज करके इन्हें अब जेल भेज दिया है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।